नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, खबर छतरपुर से है। स्वच्छता का संदेश और पॉलीथिन मुक्त शहर का संदेश लगातार दिया जा रहा है। कई लोग सिर्फ संदेश देने का काम करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसे अपने आचरण में भी उतारते हैं। ऐसा ही एक नाम पंकज पहाड़िया का है। पंकज पहाड़िया ने लगभग 7 वर्ष पहले पॉलीथिन छोड़ दी थी और तब से लेकर उनका दावा है कि आज तक किसी ने उन्हें पॉलीथिन हाथ में लिए नहीं देखा होगा। पंकज पहाड़िया ने बताया कि लगभग 7 वर्ष पहले जब नगर पालिका ने नगर को पॉलीथिन मुक्त घोषित किया तभी उन्होंने अपने मन में ये संकल्प लिया और तब से लेकर उन्होंने पॉलीथिन को पूरी तरीके से नकार दिया है और दूसरों को भी ये कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आज से करीब लगभग सात साल पहले की बात है, नगर पालिका ने पॉलीथिन मुक्त शहर की घोषणा की थी। उसी समय की बात है, 2-3 दिन हुए हों या उसी दिन की बात है, हम चौक बाज़ार में बैठे थे। उस समय नगरपालिका अध्यक्ष जो थी वो खुद 5-6 पॉलीथिन लेके सामान ले रही थी, तो हमने ऐसे आपस में दोस्त बैठे थे, हमने कहा देखो आज ही पॉलीथिन मुक्त शहर की बात हुई है और आज ही पॉलीथिन मुक्त से मतलब पॉलीथिन लेके यूज कर रही, कैसे पॉलीथिन मुक्त शहर होगा। उसी दिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब मैं छोड़ सकता हूँ पॉलीथिन। लोगों का कहना ये है कि पॉलीथिन छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैंने आज से लगभग 7 साल पहले पॉलीथिन छोड़ दी थी और मैंने अपने सारे मित्रों से कहा था अगर मुझे पॉलीथिन लिए कोई मिल जाए या हमें कोई पकड़ ले पॉलीथिन लिए तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा इनाम में। आज तक का दिन है कि आज तक किसी ने मुझे पॉलीथिन लिए हुए नहीं देखा है और मैंने पॉलीथिन उस दिन से छोड़ दी थी और 99% मैंने कभी पॉलीथिन का उपयोग नहीं किया है। संकल्प लिया है कि वो पॉलीथिन यूज़ नहीं करेंगे। मोदी जी का जो अभियान है पॉलीथिन मुक्त देश बनाने का, उसमें इन्होंने सहयोग बहुत पहले से कर रहे हैं, उन्होंने तो अभी ये संकल्प लिया है, लेकिन ये बहुत दिनों से कम 7 साल हो गए हैं तब से ऐसा पॉलीथिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कोई डिब्बा ले जाते हैं या फिर जो चीज़ जैसे कोई लिक्विड चीज़ है उसको, इसके लिए डिब्बे का यूज करते हैं और जो चीज़ वैसी है तो उसके लिए थैले का प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करते हैं। आपका कितना सहयोग रहता है इस काम में भाई? हम पूरा सहयोग करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना पूरा अपना योगदान देते हैं। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।